हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज से हम पुनरावर्तन को शुरू करेंगे। पहला पाठ प्रार्थना, प्रार्थना पाठ से पुनरावर्तन शुरू करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए। शब्दार्थ, पहले आप शब्दार्थ के बारे में समझ लीजिए। वारना, समर्पित करना। मति, बुद्धि। बिसराना, भूल देना, सॉरी बुला देना। तुरंत, जल्दी। मान, मर्यादा। शोक, दुख। अपमान, तिरस्कार। निज भाषा, अपनी भाषा। भले काम, अच्छे कार्य। नियम, नीति। शब्दार्थ, इस पाठ में आने वाली शब्दार्थ, उनका अर्थ। वारना, समर्पित करना। मति, बुद्धि। बिसराना, बुला देना। तुरंत, जल्दी। मान, मर्यादा। शोक, दुख। अपमान, तिरस्कार। निज भाषा, अपनी भाषा। भले काम, अच्छे कार्य। नियम, नीति। संयम, नियंत्रण। हट, जिद। सद्भाव, अच्छे भाव। नेक्स्ट, सुंदर शब्द। देखिए, सुंदर शब्द यानी कीवर्ड्स। सच, बीती बातों। बिसराए, भगवान। सद्भाव, मातृभूमि। गिरे हुए। तुरंत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बीती बातों, इसका मतलब क्या है? गुजरी हुई बातों को भूल जाना। बीती बातों, इसका मतलब क्या है? गुजरी हुई बातों को भूल जाना। प्रश्न दो, हमें कैसे रहना चाहिए? उत्तर, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तीसरा, हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए? हट छोड़कर हमें सद्भावना के नियमों को अपनाना चाहिए। प्रश्न नंबर चार, छोटे बड़ों को मिलकर क्या करना चाहिए? छोटे बड़ों को मिलकर गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। प्रश्न नंबर पांच, हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए? हमें मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए। हमें मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए। प्रश्न नंबर छह, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान से सद्बुद्धि और वे किसी का अपमान न करे ऐसी देनी की मांगना चाहिए। भगवान से सद्बुद्धि और वे किसी का अपमान न करे ऐसी देने की मांगना चाहिए। सेकेंड माइन, दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर वन, एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं? एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं? उत्तर, एक रहने से एकता का मनोभाव बढ़ता है और एक दूसरे से हम मिलकर एक रह सकते हैं।
सद्भावनाओं से युक्त अपने देश, जाति और भाषा के प्रति अभिमान होते हैं। एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं? इसका उत्तर, एक रहने से एकता का मनोभाव बढ़ता है और एक दूसरे से हम मिलकर एक रह सकते हैं। सद्भावनाओं से युक्त अपने देश, जाति और भाषा के प्रति अभिमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, गिरे हुए को तुरंत उठाए, गिरे हुए का क्या अर्थ है? उसे कैसे उठाना चाहिए? उत्तर, छोटे बड़े, गरीब अमीर, सब लोग मिलजुल कर जीवन करना और किसी को भेदभाव ना करते हुए गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। छोटे बड़े, गरीब अमीर, सब लोग मिलजुल कर जीवन करना और किसी को भेदभाव ना करते हुए गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, हट छोड़े संयम अपनाए, इस वाक्य से क्या अर्थ प्रकट होता है? हम लोग कभी हट ना करना और संयम से रहना देश के लिए, देश के जनता के लिए और देश की प्रगति के लिए श्रम करना, प्राण को त्याग करना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हट छोड़े संयम अपनाए, इस वाक्य से क्या अर्थ प्रकट होता है? हम लोग कभी हट ना करना और संयम से रहना देश के लिए, देश के जनता के लिए और देश की प्रगति के लिए श्रम करना, प्राण को त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड में, नमूने के अनुसार तुक वाले शब्द लिखिए। तुक वाले मीन्स राइमिंग वर्ड्स। अपनाए, बिसराए, विचारे, जीवन वारे, उठाए, मिल जाए, अपमान, भगवान। फोर्थ में, खाली जगह भरिए, भले काम पर जीवन भरे, बीती बातों को बिसराए, एक रहे सद्भाव रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए। फिफ्थ में, पति भाग पूर्ण कीजिए, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। इस तरह प्रार्थना पाठ का प्रश्नोत्तर है। आप इस प्रश्नोत्तर को ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और आपके क्लास वर्क में लिखकर अच्छे तरह अभ्यास कीजिए। नमस्कार बच्चों।